Yes, welcome class. Good morning, student. Students, today we discuss chapter 7, part 3. आज हम जो chapter 7 था history का, उसका जो part 3 है वो हम इस video के अंदर discuss करने वाले हैं. आपका जो chapter 7 था वो मौर्य empire के बारे में था, मौर्य शासन के बारे में था, तो हम वो discuss करेंगे. तो हमने part 1 और part 2 में जो इसके जो फाउंडर थे मौर्य एम्पायर के, उनके बारे में पढ़ा था, अशोका के बारे में पढ़ा था, किस तरह से अलेक्जेंडर ने अटैक किया था इंडिया पर, हम लोगों ने उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. यस, फिर हमने स्तूप जो अशोका थे और जो कलिंगा वॉर हुआ था उसके बारे में पढ़ा था, जो किंग बिंदुसार थे हम लोगों ने उसके बारे में डिस्कस किया था. यस, इन पार्ट थर्ड वी डिस्कस फर्स्टली द मौर्य आर्ट एंड आर्किटेक्चर. जो मौर्य आर्ट और आर्किटेक्चर है उसके बारे में, जो मौर्य कला थी, और आर्किटेक्ट मतलब होता है वास्तुकला, कि लाइक जो बिल्डिंग्स वगैरह, जो प्लेसेस महल वगैरह बनते हैं वो किस कला से बनाए. लाइक आर्किटेक्ट वर्ड आप लोगों ने सुना होगा. आर्किटेक्ट का जो काम होता है क्या होता है, घर वगैरह डिज़ाइन करना, या आप उनसे कोई शॉप वगैरह डिज़ाइन करवा रहे हैं, या कोई मॉल है, कोई कॉम्प्लेक्स है, कोई कुल मिला के ओवरऑल कोई बिल्डिंग बनवाना उनसे, चाहे वो किसी भी टाइप की हो, तो ये आर्किटेक्चर वर्क होता है. तो उसी तरह से पुराने टाइम का भी जो आर्किटेक्चर था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, देखने लायक था वो. तो पुराने टाइम में जो महल थे, किले थे, या वो मंदिर वगैरह बनाते थे, या कोई इस तरह के स्तूप वगैरह बनाते थे, तो जो उनका आर्किटेक्ट था वो देखने लायक था कि वो किस तरह से उस पर वास्तुकला करते हैं, किस तरह से उसको बनाते हैं. यस, तो वही हम कला और उसकी जो आर्ट वर्क उस टाइम, जो मौर्य टाइम में क्या था उसके बारे में, और आर्किटेक्चर किस टाइप का था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो इसके अंदर जो सबसे फर्स्ट जो आ रहा है वो क्या है, स्टोन पिलर. क्या है, स्टोन पिलर्स के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे. ये जो स्टोन पत्थर के जो पिलर्स बनाए जाते थे उनके बारे में हम लोग, पिलर्स खम्भे जो होते हैं वो. यस, देखिए, द स्टोन पिलर्स आर द बेस्ट स्पेसिमेंस ऑफ द मौर्य आर्ट. जो उस टाइम के जो यहाँ ये बोल रहा, स्टोन के जो पिलर है वो सबसे यहाँ स्पेसिमेंस में नमूना, बहुत ही अच्छा नमूना है एक तरह से यहाँ की मौर्य आर्ट का, मौर्य कला का, कि जो मौर्य आर्ट था कितना इफेक्टिव था. और उसका सबसे जो बेस्ट एग्जांपल इन्होंने क्या बताया, उस टाइम के जो पिलर्स थे, उस टाइम के खंभे हैं, उनको बताया है. फिर देखिए, दीज पिलर्स आर फाउंड इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया. और ये जो पिलर्स है इंडिया के काफ़ी सारे पार्ट्स में, काफ़ी सारे हिस्सों में हमें देखने को मिलते हैं. कहाँ कहाँ पर ये पिलर्स फाइंड आउट हुए हैं, देखिए, सांची में, सारनाथ, अलाहाबाद, नंदग्रह, इन जगहों पर ये के पिलर्स मिले हैं उस टाइम के मौर्य काल के जो पिलर्स है वो. ईच पिलर कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स. हर पिलर जो होता है उसके थ्री पार्ट्स इन्होंने बताए हैं पिलर के. यस, देखिए, जो द बेस, द शेफ्ट एंड द कैपिटल. कितने पार्ट बताए, थ्री पार्ट्स बताए हैं पिलर के, द बेस, द शेफ्ट एंड द कैपिटल. द कैपिटल इज द टॉप पार्ट ऑफ द पिलर. जो कैपिटल होता था वो सबसे टॉप वाला पार्ट होता था, बेस होता था वो आधार होता था, और शेफ्ट जो है बीच वाला भाग, लाइक ये पिलर है कोई. तो ये वाला जो पार्ट है वो हो जाएगा बेस, फिर मिड वाला जो पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा शेफ्ट, और ये जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल. तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, पिलर्स के थ्री पार्ट दिखाए थे. बेस जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है, मिड वाले पार्ट को इन्होंने बोला है शेफ्ट, और सबसे ऊपर वाले पार्ट को इन्होंने क्या बोला है, कैपिटल. यस, फिर देखिए, द मोस्ट फेमस ऑफ ऑल पिलर्स इन द सारनाथ पिलर इरेक्टेड इन डियर पार्क. सारनाथ में जो भी पिलर है वो एक डियर पार्क के अंदर है. हियर एट सारनाथ बुद्धा प्रीरिज्ड हिज फर्स्ट सेरेमन. सारनाथ में जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपना पहला सेरेमन, मतलब पहला उपदेश कहाँ दिया था, सेरेमन को माँ कीजिए उपदेश, उन्होंने अपना पहला जो उपदेश है सारनाथ में दिया था गौतम बुद्ध ने. द लाइन कैपिटल ऑफ सारनाथ पीलर इज क्रेव्ड आउट अ सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टोन. मतलब लायन जो कैपिटल के ऊपर, यहाँ पर जो क्या है, लायन का पीलर के सबसे ऊपर लायन का जो बनाया गया है स्टेचू, तो ये सबसे अट्रैक्टिव चीज़ है पीलर के अंदर. सारनाथ में जो पीलर है उसमें द व्हील, और इसके अलावा क्या है, देखिए, उस पीलर के अंदर, सारनाथ पीलर की यहाँ
स्पेशलिटीज़ बताइए या क्या खासियत है उसकी, तो देखिए द व्हील शो दैट बुद्धास मैसेज वॉन्ट राउंड द वर्ल्ड, और उसमें आपको डायग्राम में दिख रहा होगा सबसे ऊपर तो क्या लायन है, फिर उसके जो नीचे आपको देख रहा होगा व्हील, व्हील मतलब चक्र, चक्र क्या होता है हमेशा घूमता रहता है चलता रहता है, तो उस चक्र का मीनिंग यह है कि जो गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं वो पूरे वर्ल्ड में क्या है फैले, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें सुने और उनको क्या करें फॉलो करें, तो व्हील इस बात का क्या है एक साइन है सिंबल है। फिर देखिए द पॉलिश ऑफ अशोकास पिलर वॉज मैचलेस, इसके अलावा जो अशोका के पिलर पर जो पॉलिश हुई है वो क्या मैचलेस कि उससे कोई मैच ही नहीं कर सकता, इतने सुंदर पॉलिश उन्होंने पिलर्स के ऊपर करी है कि वो मैचलेस मतलब पूरी वर्ल्ड में पूरी दुनिया में उससे कोई मैच नहीं कर सकता है, इतनी अच्छी तरीके से उसे पॉलिश किया गया है। यस, तो आपको ये दिख रहा होगा लायन है, लायन के नीचे जो एक व्हील का साइन दिख रहा है, तो यस। फिर देखिए मॉडर्न इंडिया हैज़ गिवन ड्यू रिकॉग्नाइजेशन टू द लायन कैपिटल एट सारनाथ, जो मॉडर्न इंडिया है मॉडर्न इंडिया को भी कहीं ना कहीं जो ये लायन कैपिटल है ये पहचान देता है, मतलब कि लायन का जो बना हुआ है मार्क ये कहीं ना कहीं मॉडर्न इंडिया को भी कुछ पहचान देता है। इट हैज़ बीन एडॉप्टेड एज द नेशनल एम्बल ऑफ इंडिया, एम्बल मतलब सिंबल, इसे इंडिया के एक नेशनल सिंबल के रूप में लिया गया है इसको। द फिगर ऑफ फोर लायंस इज़ यूज्ड ऑन इंडियन करेंसी, जो इंडियन करेंसी है भारतीय मुद्रा है जो हमारे नोट वगैरह होते हैं सिक्के कॉइन्स वगैरह होते हैं उन पर इसके पिक्चर को लिया गया है, जो चार जो शेर बने हुए हैं फोर लायंस है उनके पिक्चर को कहाँ लिया गया है इंडियन करेंसी में लिया गया है। द व्हील इज शोन ऑन आर नेशनल फ्लैग, और जो व्हील जो चक्र इसके नीचे बना हुआ है उसको हमारे नेशनल फ्लैग में है, हम इंडिया का जो फ्लैग देखते हैं हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसमें हम मिड में देखते हैं ना चक्र जो बना है व्हील, वो इसी से लिया गया है। फिर देखिए द अशोका पिलर विथ हॉर्स कैपिटल इज एट नंदग्रह, और इसके अलावा अशोका का जो एक और पिलर है वो हॉर्स उसके जो कैपिटल पे मतलब उसके ऊपरी हिस्से पे क्या है हॉर्स है, और वो कहाँ पे है नंदग्रह में है। एंड द पिलर दैट बुल कैपिटल इज रामपुरवा इन बिहार, और एक जो पिलर है वो कहाँ पर है बिहार में है, और उसके ऊपर जो कैपिटल पर कौन है बुल का साइन है या बुल का सिंबल है, जैसे कहीं पर लायन का बनाया है कहीं पर हॉर्स का कहीं पर बुल का, इस तरह से अलग अलग सिंबल्स उन्होंने बनाए हैं। यह सब हम पढ़ेंगे स्तूप्स, किसके बारे में पढ़ेंगे स्तूप कि स्तूप्स क्या होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। द स्तूप तो सर अस्तूपा इज अ डोम लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ स्टोन और ब्रिक्स, जो स्तूप जो होते हैं वो कौन से शेप के होते हैं डोम शेप के होते हैं, जैसा कि आपको आपकी जो बुक के अंदर जो पिक्चर बनी हुई है उसमें भी आपको दिख रहा है ये कौन से शेप के होते हैं डोम शेप के इस तरह से होते हैं। कल आपको न्यू वर्ड्स आए थे तब भी ये क्लियर किया था कि इस तरह का जो शेप होता है वो डोम शेप हाफ सर्किल जो शेप होता है डोम शेप कहलाता है। द पर्पज़ ऑफ स्तूप वॉर, तो ये जो किससे बना होता है ब्रिक और स्टोन्स ईंटों से और पत्थरों से बना हुआ होता है। द पर्पज़ ऑफ स्तूप वॉर्स टू ऑनर अ स्केयर्ड स्पॉट और टू प्रिजर्व द रेलिक्स ऑफ बुद्धा, यहाँ ये जो है स्तूप है ये कहीं ना कहीं जो ऑनर ऑनर मतलब सम्मान में जो बौद्ध जो गुरु थे उनके अवशेष यहाँ हमें स्तूप्स में मिलते हैं कि जो बौद्ध मॉन्क्स बौद्ध जो साधु होते थे वो कहाँ रहते थे स्तूप्स में रहते थे, तो उनके आज भी कुछ रेलिक्स मतलब कुछ अवशेष उनके मिलते हैं कि लाइक वो किस टाइप से रहते थे या क्या उपदेश वगैरह उन्होंने दिए, तो वो उधर वहाँ की जो वॉल्स है वहाँ पर लिखे हुए हैं। फिर देखिए द स्तूप एट भरहूत एंड सांची आर एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव, जो सांची का जो स्तूप है और भरहूत का जो स्तूप है दो स्तूप है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है या बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, उनमें हमें पास्ट टाइम के बारे में या मौर्य एम्पायर के बारे में उनसे हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। द सांची स्तूप वॉज ऑरिजिनली बिल्ट बाय अशोका, और जो सांची का स्तूप है वो किसने बनाया था अशोका ने बनाया था। लेटर इट वॉज एनलार्ज्ड ड्यूरिंग द शुंगा पीरियड, और शुंग जो पीरियड में ये काफ़ी फैला था। फिर देखिए इट्स गेट वे हैव ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स डिपिक्टिंग द स्टोरी ऑफ बुद्धा, और यहाँ का जो गेट वे है यहाँ जो स्कल्पचर्स जो मूर्ति कला है जो डिपिक्ट करती है मतलब दर्शाती है जो बौद्ध स्टोरीज बताती है, मतलब यहाँ इस तरह से इसको डिज़ाइन वगैरह किए हैं वहाँ पर जो वॉल्स पे लिखा हुआ है या पिक्चर्स बने वगैरह बनी हुई, तो वो जो बौद्ध जो गुरु थे या बौद्ध धर्म के बारे में पूरा बताती है। यह सब हम पढ़ेंगे द मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे हम मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन कि वहाँ किस तरह से वर्क होता था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन, ये वहाँ का जो राजा थे उन्होंने किस तरह से अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को, हिंदी में बोलते हैं प्रशासनिक, तो उन्होंने किस तरह से अपनी प्रशासनिक मतलब ऑफिशियल वर्क को हैंडल कर रखा था, उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे इस पैराग्राफ के अंदर। यस, तो मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में आप लोग देखेंगे फर्स्ट पॉइंट है द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ जो सिस्टम था कौन सा था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो पावर था वन पर्सन के हाथ में। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ही होता है कि जो सारा वर्क है लाइक ऑफिस रिकॉर्डिंग है, प्रशासनिक जो वर्क है, कंट्रोलिंग जो वर्क है वो क्या है, सेंट्रल है। यस, देखिए द किंग एंड हिज मिनिस्टर, जो किंग जो राजा थे उसके जो मिनिस्टर्स है वही सारे डिसीजंस लेते थे। देखिए द किंग वॉज एट द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था इनका जो प्रशासनिक जो वर्क होता था उसके जो हेड होते थे वो कौन होते थे, किंग, राजा ही हेड होता था। फिर देखिए हिज पावर वर अनलिमिटेड, और उसके जो उसके पास जो पावर थी वो क्या थी, अनलिमिटेड पावर उनके पास थी। बट ही एक्ट अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ धर्म, बट वो किसके अकॉर्डिंग वर्क करते थे, धर्म के अकॉर्डिंग वर्क करते थे। जो राजा थे वो किसके अकॉर्डिंग, धर्म पर चलते थे, जैसा धर्म के अंदर लिखा हुआ था वो उसी के अकॉर्डिंग काम करते थे। फिर देखिए द किंग वॉज गाइडेड बाय द एडवाइस ऑफ हिज मिनिस्टर, और जो किंग थे जो राजा थे उनको कौन गाइड करता था, मिनिस्टर्स, जो उनके मिनिस्टर जो अदर मंत्री वगैरह जो होते थे, हेड राजा हो गया फिर उसके और बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं तो मिनिस्टर्स उसको एडवाइस करते थे। लाइक अलग अलग डिपार्टमेंट का क्या होता है, अलग अलग मिनिस्टर होता है, तो कोई मिनिस्टर किस बारे में उसको एडवाइस करता है, कोई मिनिस्टर उसको किस बारे में एडवाइस करते हैं, तो इस तरह से मिनिस्टर्स की एडवाइस लेकर देन क्या करते हैं, किंग जो होते थे फाइनल डिसीजन लेते थे मौर्य एम्पायर में। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। प्रोविंशियल को बोलते हैं, को हिंदी में बोलते हैं प्रांतीय, कि अलग अलग प्रांत में उनको डिवाइड किया हुआ था, कि जैसे पूरा एक स्टेट तो एक हो गया, पूरा स्टेट जैसे ये है, अब उसको अलग अलग प्रोविंस में डिवाइड किया गया कि ये प्रांत, ये प्रांत, ये प्रांत, देन ये प्रांत, ये प्रांत, इस तरह से अलग अलग प्रांत में। लाइक इंडिया हमारी एक कंट्री, उसको फिर अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड किया गया ना 20, उसी तरह से उस टाइम पर क्या होता था, पूरा एक जो राजा है एक किंगडम है लेकिन वो अलग अलग प्रांत में उसको डिवाइड कर देता था, प्रोविंशियल में उसको डिवाइड कर देता था। यस, तो देखिए द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू अ नंबर ऑफ प्रोविंसेस, एम्पायर जो उनके शासन था या उनका जो पूरा राज्य था उसको प्रोविंसेस में वो लोग डिवाइड कर देते थे, प्रांत में। ईच प्रोविंस वॉज अंडर अ गवर्नर, हर प्रांत के, जैसे हर प्रांत के क्या होता था, गवर्नर होता था, मतलब हर प्रांत के अलग अलग हेड होते थे। ईच प्रोविंशियल वॉज डिवाइडेड इंटू अ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, और हर प्रोविंशियस को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट मतलब अलग अलग जिलों में डिवाइड किया हुआ होता था, कि अब ये प्रांत हो गया, इसको भी और क्या है, अलग अलग इसके क्या बना दिए, जिले बना दिए। लाइक अभी हमारे इंडिया में भी क्या होता है, कंट्री, पूरा देश, देश को फिर अलग अलग स्टेट, स्टेट के अंदर भी हम क्या देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट, जिले देखते हैं, उसी तरह से उस समय मौर्य एम्पायर में भी यही चीज़ वो लोग फॉलो करते थे, ताकि उनको जो कंट्रोलिंग हो वो आसानी से हो, नहीं तो अकेला राजा ही पूरे इतनी सारी जगह वो कैसे हैंडल करेगा, नहीं तो वो अलग अलग हेड बना देगा, अलग अलग छोटे छोटे एरिया में अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो उसे हमें हैंडलिंग क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। फिर यस, देखिए अब थर्ड पॉइंट जो है द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेजर टाउन लाइक पाटलिपुत्रा और उज्जैन वॉज ऑर्गेनाइज ऑन ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन्स। यहाँ ये बोल रहा है सिटी एडमिनिस्ट्रेशन मतलब शहरों का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, शहरों का जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो किस तरह से हैंडल करते थे। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेजर टाउन्स लाइक पाटलिपुत्रा और उज्जैन वॉज ऑर्गेनाइज ऑन सिमिलर लाइन, मतलब जो ज़्यादातर जो सिटी जो शहर है लाइक पाटलिपुत्र थे या उज्जैन थे, उनको जो उनको सेम ही लाइन में उनकी जो कंट्रोलिंग थी एक ही तरह से की जाती थी, या जो वहाँ ऑफिशियल वर्क है या और भी कोई वर्क है वो सिमिलर एक ही तरीके से किए जाते थे सभी सिटीज़ के अंदर। कौटिल्य सेड द सिटी वॉज प्लेस अंडर द चार्ज ऑफ नगर का एंड द सिटी मजिस्ट्रेट। कौटिल्य यहाँ कहते हैं जो सिटी जो शहर का चार्ज है वो किसके हाथ में था, नगर का या उससे मजिस्ट्रेट, जो शहर का हर शहर में जैसे कि अलग अलग मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर दिया था ताकि वो उस शहर का क्या कर सके, ध्यान रख सके, उस शहर का मजिस्ट्रेट बने। यस, फिर देखेंगे अकॉर्डिंग टू मैगजीन्स पाटलिपुत्र वॉज एडमिनिस्ट्रेटेड बाई म्यूनसिपल कमीशन ऑफ 30 मेम्बर्स। इसके अलावा यहाँ ये बोल रहा पाटलिपुत्र के अंदर क्या थे, 30 मेम्बर्स थे म्यूनसिपल कमीशन जो बनाई गई थी। लाइक हमारे यहाँ भी क्या होती है, जैसे लाइक नगर पालिका, नगर परिषद ये वर्क करती है, उसी तरह से उस टाइम पीरियड में भी जिलों के अंदर क्या कर रही थी, म्यूनसिपल वर्क कर रही थी, और म्यूनसिपल्स के अंदर कितने मेंबर्स थे, 30 मेंबर्स थे। द मौर्य रूलर हैड
परफेक्ट कंट्रोल ओवर द रोड्स एंड रिवर्स एज देवर इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। तो जो मौर्य जो रूलर थे, मौर्य जो शासन थे, उनका जो किस पे रोड और किसके ऊपर रिवर्स के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल था। और वो कंट्रोल क्यों था? क्योंकि वो ट्रेड को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो हेल्पफुल थे कि रोड अच्छे से होंगे, रिवर्स सही होगी, प्रॉपर होगी, तो ही क्या होगा, हमारा जो बिजनेस है वो डेवलप होगा, लोगों को बाहर से आने जाने में क्या होगी प्रॉब्लम, हम कहीं आते जाते तो किसके थ्रू, रोडवे के थ्रू या पुराने टाइम में क्या पास्ट टाइम में वाटरवे के थ्रू आते जाते, तो ये सिस्टम प्रॉपर होना ज़रूरी था। तो वो लोग इसका पूरा प्रॉपर ध्यान रखते थे। अब हम पढ़ेंगे वेलफेयर मेजर्स कि किस तरह से वो पब्लिक वेलफेयर के लिए वर्क करते थे। द अशोका ट्रीटेड हिज पीपल एज हिज ऑन चिल्ड्रन। तो अशोक यहाँ बोल रहा है, अशोका जो अपने लोगों को, अपनी जो जनता थी, आम पब्लिक थी, उनको कैसे एज ए चिल्ड्रन, अपना बच्चा मान के उनको ट्रीट करते थे या उनके बारे में उसी तरह से सोचते जैसे लोग अपने खुद के बच्चे के बारे में, अपने चाइल्ड के बारे में सोचते हैं। ही वर्क फॉर देयर फिजिकल एंड मॉरल वेलफेयर। और वो किसी के किसके लिए वर्क करते थे? लोगों के लिए, लोगों के अच्छे के भलाई के लिए। और फिजिकली लोग हेल्दी हो, मेंटली हेल्दी हो, लोगों के पास लाइक फूड फैसिलिटी अवेलेबल हो, क्लोथ्स अवेलेबल हो, ये सारी चीज़ें वो ध्यान रखते थे। फिर देखिए, ही बिल्ड हॉस्पिटल्स फॉर बोथ मैन एंड एनिमल्स। उन्होंने लोगों के लिए भी और एनिमल्स जानवरों के लिए भी हॉस्पिटल्स बनवाए। वेल हैड बीन डग एंड रेस्ट हाउसेस कंस्ट्रक्टेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द ट्रेवलर। जो ट्रेवलर्स मतलब जो यात्री होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो रास्ते में थक जाते हैं, तो उनके लिए क्या बनाया है, रेस्ट हाउसेस, ताकि वो वहाँ रेस्ट कर सके। और उन्होंने क्या करवाए, कुएँ खुदवाए ताकि वो पानी वहाँ पर पी सके, क्योंकि पुराने टाइम में कोई बॉटल फैसिलिटी नहीं कि आप किसी होटल पे करो आपको बिसलेरी, ऐसा नहीं होता था। तो उन्होंने उस समय जो पानी पीने के लिए सबसे फैसिलिटी अवेलेबल होती थी वो कुओं से ही होती थी, तो उन्होंने कुएँ खुदवाए थे और रेस्ट हाउसेस बनवाए थे। फिर देखिए, द एम्परर वॉज अ बुद्धिस्ट बट दे अलाउ पीपल टू फॉलो देयर ऑन रिलीजियस बिलीफ। मतलब जो अशोका थे या वहाँ जो शासक था, वो जैसे वो बौद्ध धर्म को मानते थे, बट उन्होंने जो पब्लिक थी, आम जनता थी, उन्हें अलाउ कर रखा था कि वो जिस भी धर्म को मानना चाहे उस धर्म को वो लोग क्या कर सकते थे, मान सकते थे। कोई बाउंडेशन नहीं थी कि अगर मैं बौद्ध धर्म मान रहा हूँ तो आपको भी बौद्ध धर्म मानना पड़ेगा, ऐसी कोई बाउंडेशन अशोका ने नहीं लगवाई हुई थी। फिर देखिए, ही ट्रीटेड द जैन बुद्धिस्ट एंड फॉलोअर्स ऑफ अदर सेक्ट अलाइक। यहाँ ये बोल रहा है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय को फॉलो करते हो, चाहे जैन धर्म को हो, चाहे बौद्ध धर्म को हो, तो वो सभी को एक ही जैसा, एक समान मानते थे। उनका मानना था कि सभी धर्म क्या है, एक जैसे ही है। अब हमने यहाँ पढ़ा है कि मौर्य एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। अब हम यहाँ जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सोशल कंडीशंस के बारे में। किसके बारे में? वहाँ की जो सोशल कंडीशंस थी उनके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे कि उस समय सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, वो हम पढ़ेंगे। तो यस, देखिए, द कास्ट सिस्टम प्रीवेल। उस समय भी क्या था, जो कास्ट सिस्टम था वो पावर में था, प्रीवेल था, मतलब लोग कास्ट सिस्टम में काफ़ी बिलीव करते थे। मैगस्थनीज स्पीक ऑफ द कास्ट सिस्टम। मैगस्थनीज ने किसके बारे में, कास्ट सिस्टम के बारे में बताया था। द ब्राह्मिन्स एंड मॉन्क्स हैड हाई पोजिशन इन ए सोसाइटी। जो या तो ब्राह्मण होता था या मॉन्क्स मतलब जो साधु होते थे, उन्हें सोसाइटी में सबसे ऊपर वाली पोजिशन मिली हुई थी, कि उन्हें ऐसा माना जाता था कि ये क्या है, अपर कास्ट है, या सबसे ऊपर वाली जो पोजिशन थी सोसाइटी में उन्हीं की थी। द सोसाइटी कंसिस्टेड ऑफ, इसके अलावा सोसाइटी के अंदर और कौन थे, फार्मर्स किसान थे, आर्टिसंस मतलब कलाकार थे, ट्रेडर्स मतलब व्यापारी थे, और मेटल वर्क्स मतलब मेटल धातु का काम लाइक आयरन से कोई सामान बनाना, गोल्ड या सिल्वर से सामान बनाना, वीवर्स मतलब बुनकर कपड़े बुनने वाले लोग, इसके अलावा हंटर, शिकारियों, हर्ड्समैन मतलब पशुपालन वाले या चारावाह जिसे बोलते हैं, वो लोग उस वक्त उस सोसाइटी में थे। मतलब कोई खेती कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई सोने या चांदी के बर्तन वगैरह बनाने का काम कर रहा है, कोई कपड़े बुनने का काम कर रहा है, कोई और कला कर रहा है, इस तरह से। मैगस्थनीज स्पीक अबाउट द हाई मोरल ऑफ द इंडियन सोसाइटी। यहाँ मैगस्थनीज बताते थे या उन्होंने बताया था कि जो इंडियन सोसाइटी के जो मोरल था वो काफ़ी हाई था। देयर वर नो थेफ्ट एंड द हाउसेज वर लेफ्ट अनगार्डेड। यहाँ मतलब उस टाइम पे मौर्य एम्पायर के बारे में बता रहा था कि लोग अपने हाउस के कोई गेट वगैरह नहीं थे, अगर वो कहीं जाते थे तो अपने घर को ताला लगाकर नहीं जाते थे, बिना किसी गार्ड के वो अपने घर को इस ऐसे ही छोड़ के चले जाते, क्योंकि उस समय कोई थेफ्ट कोई चोरी वगैरह नहीं होती थी। इतना अच्छा वो एम्पायर था, मौर्य एम्पायर जो था वो इतना अच्छा एम्पायर था, लोग इतने अच्छी तरीके से रहते थे कि लोग चोरी वगैरह ये सारी चीज़ें उस समय होती ही नहीं थी। फिर अशोका प्रोहिबिटेड गेम्स विच इन्वॉल्व वॉयलेंस और क्रूटली टू एनिमल। और अशोका ने उन गेम्स को भी बैन कर रखा था जो क्रूर थे या जो एनिमल्स को वॉयलेंट हिंसा वाले जो गेम्स थे, कि लाइक
बहुत सारे लोग हंटिंग वगैरह के गेम्स करवाते हैं, जो राजा वगैरह होते हैं, या जो लाइक एनिमल रेस करवा दी, या कोई इस तरह की कॉम्पिटिशन्स पास टाइम में होते थे। तो इन सभी को, जिसमें कि एनिमल्स को प्रॉब्लम हो, वो सारे जो गेम्स है वो क्या कर रखे थे, अशोका ने बैन करवा रखे थे। यस, द एंड ऑफ द मौर्य एम्पायर। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो मौर्य एम्पायर था, ये जो ख़त्म हुआ है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये क्यों ख़त्म हुआ, इसके क्या रीजंस रहे ख़त्म होने के, वो हम यहाँ पढ़ेंगे। द एंड ऑफ मौर्य एम्पायर, कि क्यों ख़त्म हुआ ये। इतना जब हम यहाँ पढ़ा है कि बहुत ही अच्छा यहाँ पर था, राजा इतने अच्छे थे, लोग इतने अच्छे तरीके से रहते थे, फिर भी ये जो शासन है वो ख़त्म क्यों हुआ, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। यस, तो देखिए, अशोका डाइड इन 232 BC। अशोका की जो मृत्यु हुई 232 में उसकी मृत्यु हो गई। सून आफ्टर हिज डेथ द एम्पायर बिगैन टू डिक्लाइन। जैसे ही अशोका की मृत्यु हुई, ये जो मौर्य एम्पायर, ये क्या डिक्लाइन, मतलब इसने ख़त्म होना स्टार्ट कर दिया। देयर वर सर्वल रीजन्स वाई द एम्पायर ब्रोक अप। और ये जो इस रीज़न के, इस मौर्य एम्पायर के ख़त्म होने के काफ़ी सारे रीजन्स हैं, काफ़ी सारे कारण से, वो हम देखेंगे। सॉरी, द एम्पायर वॉज वेरी वास्ट। एक तो जो एम्पायर था, मौर्य एम्पायर था, ये वेरी वास्ट, बहुत ही बड़ा था ये। इट नीडेड अ स्ट्रॉन्ग हैंड टू होल्ड इट टुगेदर, बट अशोका सक्सेसर वर वीक। तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा अगर एम्पायर है, बहुत बड़ा आपका राज्य है, तो उसको हैंडल करने के लिए स्ट्रॉन्ग हैंड की नीड, ऑब्वियसली जो पावरफुल मैन है, जो माइंडेड पर्सन है, उसकी नीड होती है कि वो इतने बड़े राज्य को हैंडल कर सके। बट जो अशोका के जो सक्सेसर थे, मतलब अशोका के जो सन्स वगैरह थे, या अशोका की बाद की जो फैमिली थी, वो लोग क्या थे, वीक थे। तो ऑब्वियसली इस वजह से एक तो मौर्य एम्पायर क्या हुआ, ख़त्म हुआ, डिक्लाइन हुआ। फिर सेकेंड जो है, द लेटर किंग फेल टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द पीपल। और जो बाद में जो राजा बने, वो क्या थे, टैक्स कलेक्ट करने में लोगों से फेल हो गए। ऑब्वियसली अगर जो राजा है वो टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा, तो राजकाज कैसे होगा, या जो उसका राज्य है वो कैसे चलेगा। वो जनता के लिए जो काम करना चाहता है, पब्लिक के लिए जो वर्क करना चाहता है, विदाउट टैक्स के वो पॉसिबल नहीं है। तो वो टैक्स कलेक्ट करने में क्या हो गए थे, फेल हो गए थे। देयरफॉर दे कुड नॉट मेंटेन ए लार्ज आर्मी। तो इस वजह से वो लार्ज आर्मी भी मेंटेन है, ऑब्वियसली जो टैक्स आता है उसी के पैसे से क्या होता है, आर्मी में जो सोल्जर्स होते हैं उनको सैलरी वगैरह प्रोवाइड करी जाती, तो वो भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। तो इस तरह से वो टैक्स नहीं कलेक्ट किया, तो वो जो सारा उन्हें राज्य के लिए जो वर्क करना था वो नहीं कर पाए थे। तो एक ये भी कारण था मौर्य एम्पायर के ख़त्म होने का। थर्ड देखेंगे आप लोग, द चीफ ऑफ कलिंगा एंड द सर्दर्न प्रोविंसेस रिवोल्टेड। इसके अलावा जो कलिंगा के जो चीफ थे, और या जो साउथ जो प्रोविंसियस, जो साउथ प्रांत के जो ऑफिसर्स थे या गवर्नर्स थे, उन्होंने क्या कर दिया था, रिवोल्ट, विद्रोह कर दिया था। मतलब मौर्य एम्पायर के साथ इन्होंने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। तो इस वजह से भी क्या हो गया, मौर्य एम्पायर डिक्लाइन हो गया, ख़त्म हो गया। फिर आप लोग देखेंगे, द ग्रीक जो किंग बिगैन टू इन्वेंट नॉर्थ वेस्ट इंडिया। और जो ग्रीक के जो राजा थे, उन्होंने वापस से दोबारा से क्या किया, अटैक किया नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट पर, इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है उस पर दोबारा से उन्होंने अटैक किया ग्रीक के किंग ने। इस वजह से भी जो मौर्य एम्पायर क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ, ख़त्म हुआ। फिर देखिए, द आर्मी हैड लॉस्ट इट्स फाइटिंग क्वालिटी बिकॉज आफ्टर कलिंगा वॉर अशोका डिड नॉट फाइट एनी अदर वॉर। यहाँ ये बोल रहा है कि जो आर्मी की जो फाइटिंग क्वालिटी है वो भी क्या हो गई, लॉस्ट। मतलब अशोका के जाने के बाद उनकी जो आर्मी इतनी स्ट्रांग थी, या उनकी आर्मी के अंदर जो क्वालिटीज़ थी, वो भी क्या हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। इस वजह से वो किसी और आर्मी के साथ फाइट करने में कैपेबल नहीं थे, उनमें इतनी क्वालिटी नहीं थी कि वो अदर के साथ लड़ सके। तो इस वजह से ये सारे रीजन्स थे मौर्य एम्पायर के ख़त्म होने के कारण, होने के ये इतने सारे कारण से यहाँ बताए हुए हैं कि उनकी आर्मी अच्छी नहीं थी, टैक्स वो लोग नहीं कलेक्ट कर पा रहे थे लोगों से, इसके अलावा जो उसके अशोका जी के जो सक्सेसर्स थे वो वीक थे। यस, फिर देखिए, इट वॉज अंडर दिस कंडीशन द बद्रीरथ बृहदरथ द लास्ट मौर्य रूलर। और जो राष्ट्र जो मौर्य रूलर, या राष्ट्र जो मौर्य शासक हुआ, उसका नाम था बृहदरथ। फिर देखिए, वॉज किल्ड बाय द मौर्य जनरल। और उसे मौर्य के जो जनरल थे पुष्पमित्र शुंगा, उन्होंने उसे मार दिया था। और फिर दैट वॉज द एंड ऑफ मौर्य एम्पायर। और इस तरह से जो मौर्य शासन, वो क्या हो गया था, ख़त्म हो गया था, डिक्लाइन हो गया था। तो यहाँ हमने चैप्टर के बारे में पढ़ा है कि किस तरह से मौर्य एम्पायर ख़त्म हुआ, वहाँ का आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम लेसन की जो समरी पढ़ेंगे, कि जो मेन हेडिंग्स, तो लाइक सबसे पहले जो हुआ था, सिकंदर ने जो आक्रमण किया था और उसमें जो राजा पोरस को हरा दिया था, वो हम लोगों ने पढ़ा था।
फिर अलेक्जेंडर ने वापस से अपनी जो जर्नी स्टार्ट करी थी वो 325 में करी थी। फिर उसने वो जो रूट है उसने ट्रेड रूट डेवलप किए थे सिकंदर ने। इंडिया आर्ट एंड कल्चर कम टू बी इन्फ्लुएंस बाय द ग्रीक्स, और इंडिया का जो आर्ट और कल्चर है वो किससे प्रभावित हुआ था, इन्फ्लुएंस हुआ था ग्रीक से। फिर हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य कंकवर्ड पंजाब एंड मगध। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने किस तरह से पंजाब और मगध पर कब्जा किया था। चंद्रगुप्त मौर्य बिकम द फर्स्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी के पहले शासक थे, पहले राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे। इन 305 BC डिफीटेड सेल्यूकस, उन्होंने 305 में सेल्यूकस को हरा दिया था। उनकी डॉटर से क्या करी थी, मैरी करी थी। फिर देखेंगे द ग्रेटनेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, कि कितने जो चंद्रगुप्त मौर्य कितने महान थे उसके बारे में। तो द चंद्रगुप्त मौर्य रूल्ड फॉर अबाउट 25 ईयर्स, उन्होंने 25 साल तक शासन किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। बहुत ही अच्छे राजा थे, आइडियल किंग थे वो। टैक्स कलेक्शन था वो प्रॉपर था उनका, उनकी मिलिट्री काफ़ी अच्छी थी, और जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था पाटलिपुत्र के अंदर वो भी काफ़ी उनका अच्छा था। फिर किंग बिंदुसार जो उन्होंने 298 से लेकर 273 तक उन्होंने राज किया था, रूल्ड किया था। ही मेंटेन वास्ट एम्पायर, उन्होंने भी काफ़ी बड़ा एम्पायर मेंटेन करके रखा था। बिंदुसार के बाद उनके जो सन थे अशोका वो राजा बने थे, और कलिंगा वॉर के बाद लेकिन अशोका कम्प्लीटली चेंज हो गए थे। वो क्या चाहते थे, पीस शांति चाहते थे, और उसके लिए उन्होंने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काफ़ी वर्क किया था। अब अशोकास एडिक्ट, मतलब कि किस तरह से उन्होंने कमांड दिया था लोगों को धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, तो इश्यूड ऑर्डर्स क्यों उन्होंने रॉक्स के ऊपर, पिलर्स के ऊपर, या केव्स वॉल्स जो गुफाएं होती हैं उनकी दीवारों पर काफ़ी कुछ लिखवाया था धर्म के बारे में, धर्म के उपदेश लिखवाए थे। फिर हम देखेंगे मौर्य आर्ट के बारे में, कि जो मौर्य आर्ट के जो फेमस पिलर थे, सारनाथ का जो पिलर है जो डियर पार्क में है, और वेयर बुद्धा प्री रेस्ड विथ हिज सेरेमन, वहाँ जो बुद्धा ने अपना उपदेश दिया था, प्रवचन दिए थे। और लाइन कैपिटल ऑफ द सारनाथ पिलर हैज़ बीन अडोप्टेड नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया, एक नेशनल सिंबल के रूप में लिया गया है जो लाइन जो कैपिटल है उसे। द स्तूप एट बहुरथ एंड सांची आर एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव, बहुरथ और जो सांची के जो स्तूप से वो काफ़ी इम्प्रेसिव है। तो ये इस तरह से मौर्य कला के बारे में बताया गया है। फिर मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमने पढ़ा है कि अशोका किस तरह से एक आइडियल किंगशिप थे, आइडियल राजा थे, आदर्श राजा थे। प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरह से उन्होंने अपने पूरे राज्य को ग्रुप्स में डिवाइड करके या अलग अलग प्रांत में डिवाइड करके मेंटेन किया हुआ था। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की जो बड़े बड़े शहर थे उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था, और वेलफेयर मेजर्स के किस तरह से वो पब्लिक के लिए वर्क करते थे, पब्लिक वेलफेयर के लिए वर्क करते थे। फिर है सोशल कंडीशन, द कास्ट सिस्टम प्रिवेल्ड, मेगास्थनीज स्पोक अबाउट द हाई मोरल ऑफ इंडियन सोसाइटी, उसमें फिर इंडियन सोसाइटी के अंदर जो कास्ट सिस्टम था उसके बारे में बताया हुआ है। फिर किस तरह से उनका जो इंडियन सोसाइटी है उसका जो मोरल है वो कितना हाई है उसके बारे में हमने देखा है। अशोका प्रोहिबिटेड गेम्स विच इन्वॉल्व क्रूडली टू एनिमल, और अशोका ने उन गेम्स को क्या कर दिया था, बैन कर दिया था, प्रोहिबिटेड मना कर दिया था, जो जिसमें पशुओं के साथ क्या होता है, क्रूर व्यवहार या बैड बिहेव होता है, जिसमें पशुओं को हानि पहुँचाई जाती है, उन्हें मारा या पीटा जाता है या उन्हें भगाया जाता है, इस टाइप्स के गेम्स उन्होंने बैन करवा दिए थे। यस, नाउ कम टू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज पर आप आएंगे। यस, देखिए सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। द नेम बाय विच अशोका वॉज यूजली नॉन एज, अशोका को किस नाम से जाना जाता था, तो महाराजा धीराज के नाम से जाना जाता था। यस, फिर देखिए द स्क्रिप्ट यूज फॉर अशोका एडिक्ट, तो कौन सी स्क्रिप्ट यूज़ करते थे, तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट वो लोग यूज़ करते थे। कौटिल्य हैड बीन ह्यूमिलेटेड बाय, कौटिल्य को किसने ह्यूमिलेटेड किया था, तो नंदा किंग ने उनकी इंसल्ट करी थी कौटिल्य की। फोर्थ आप लोग देखेंगे, द ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय अशोका टू स्पीयर मैसेज ऑफ बुद्धा वर कॉल्ड, जो ऑफिसर्स अपॉइंट किए थे अशोका ने उन्हें क्या बोलते थे, तो धम महात्मास उन्हें बोला जाता था, जो ऑफिसर्स धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वर्क करते थे। यह सब हम फिलअप्स पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट है चाणक्य, अ लर्न ब्राह्मीन हु नॉन एज, चाणक्य को किस नाम से जाना जाता था, कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। द ग्रीक किंग सेल्यूकस हैड सेंट एज हिज एम्बेसडर, उसने एम्बेसडर के रूप में किसे, राजदूत के रूप में किसे भेजा था सेल्यूकस ने, तो मेगास्थनीज को भेजा था, कहाँ पर, मौर्य शासन में।
फिर देखिए द वॉर विद द रूलर ऑफ ब्रॉट कंप्लीट चेंज. कौन सी वॉर अशोका की लाइफ में कंप्लीट चेंज लेके आई? तो कलिंगा वॉर कंप्लीट चेंज लेके आई थी. फिर देखिए चंद्रगुप्त मौर्य फर्स्ट रूलर, जो उनकी जो डायनेस्टी थी 324 से उन्होंने स्टार्ट करी थी. फिर देखिए अशोकन पिल्लर बुल कैपिटल, बुल का कैपिटल कहाँ बना हुआ है? तो रामपुरवा इन बिहार में वो कैपिटल बुल कैपिटल बना हुआ है. यस, अब नेक्स्ट है मैच द कॉलम हम लोग देखेंगे. सबसे फर्स्ट जो है स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट वो लोग यूज़ करते थे. सेकंड है कौटिल्य, कौटिल्य ने तो अर्थशास्त्र बुक लिखी थी. नेशनल इम्बल वो है सारनाथ का जो पिलर है, हमारी नेशनल सिंबल का प्रतीक है. मैगसनीज, मैगसनीज ने कौन सी बुक लिखी थी? इंडिका बुक लिखी थी. स्तूप तो कौन सा है? सांची का स्तूप. तो यहाँ हमने एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली है, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, समरी आप लोगों की चैप्टर की कंप्लीट हो गई है. तो नाउ योर चैप्टर 7 इज कंप्लीट, आपका चैप्टर 7 है वो कंप्लीट हो गया है. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.